एक व्यक्ति पाप से आजाद हो सकता है, पर साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि ग्लोरियस प्रेजेंस में वो ना रहता हो। एक व्यक्ति नशा छोड़ सकता है, एक व्यक्ति पाप छोड़ सकता है, पर साथ साथ ये भी पॉसिबल है कि परमेश्वर की जो ग्लोरियस प्रेजेंस है, खुदावंद उसके साथ है, वो स्वर्ग जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो विजिबल प्रेजेंस है, जो दिखने वाली हजूरी है, जो काम करने वाली प्रेजेंस है, हो सकता है उसकी जिंदगी में ना हो। आपका टीवी के सामने आधा घंटा बैठकर कुछ भी ऊटपटांग देखना उस ग्लोरी को खत्म कर सकता है, क्योंकि यह मुश्किल चीज है। इसलिए बहुत कम परसेंटेज है क्रिश्चियनिटी में, बहुत कम परसेंटेज है पास्टर्स में, बहुत कम परसेंटेज है जो इस ग्लोरियस प्रेजेंस को देख पाते हैं। बिना ग्लोरियस प्रेजेंस के भी कई जगह हीलिंग हो जाती है, क्योंकि वो एक वरदान है। लेकिन जब ग्लोरियस प्रेजेंस आपकी लाइफ में उतरती है, वो एक प्रोटेक्ट करने वाली भी होती है, वो लंबा लेके जाने वाली भी होती है, और वो उन मिरेकल्स को परमानेंट रखती है, और लोगों के दिल बदलते हैं जब वो ग्लोरियस प्रेजेंस के नीचे आते हैं। अब जब आप ये देखते हैं कि परमेश्वर की विजिबल ग्लोरी महिमा आपकी लाइफ पे कैसे उतरेगी, मैंने कहा एक 15 मिनट की फेसबुक सर्च भी उस ग्लोरी को खत्म कर सकती है। इसलिए मैंने कहा यह पाप और पवित्रता का मसला नहीं है कि अगर आप पाप में नहीं हैं तो आप ग्लोरियस प्रेजेंस में हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप पाप में भी ना हो, लेकिन अभी तक आप डिस्ट्रैक्ट हो, अभी तक आप संसारिक अफेयर्स में इतना घुसे हुए हैं कि आप उसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहे और वो आप पे उतर नहीं पा रही। शैतान ये नहीं चाहता कि आप पर परमेश्वर की प्रेजेंस हो। क्यों? क्योंकि शैतान को इसके असर मालूम है, क्योंकि वो खुद भी, जो लूसीफर शैतान था, वो खुद भी उस प्रेजेंस में रहता था। उसे उस प्रेजेंस में रहने का असर मालूम था, उसे उसका जो ताकत है ग्लोरी की, महिमा की, उसकी हुजूरी की, उसे वो मालूम है। इसलिए वो ये नहीं चाहता कि आप उसकी प्रेजेंस में रहें। जो लोग आधा पौना घंटा प्रार्थना करते हैं वो अच्छा करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप शाम को या सुबह, खासकर अगर आप रात को प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, और अगर आप 45 मिनट आप प्रार्थना करते हैं, तो भी आप इस ग्लोरियस प्रेजेंस में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 45 मिनट सिर्फ यही रहेगा, मुझे कौन सा काम नहीं करना, मुझे कौन सा पाप नहीं करना, मुझे ये चीज़ नहीं देखनी, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे कल मुझे ये प्रेयर करनी है, मुझे परमेश्वर से ये कहना है, मुझे परमेश्वर से ये बात बोलनी है, फलाने ने मुझको ताना दिया, परमेश्वर उसको जवाब देगा, मुझे ये प्रार्थना करनी है, अरे नहीं नहीं मुझे उसको माफ़ करना है, अरे नहीं मुझे उस विरोधी को माफ़ करना है, अरे नहीं गुस्सा आ रहा है उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। 45 मिनट इसी चीज़ में आप घुसे रहेंगे, कभी माफ़ी मांगेंगे, कभी प्रार्थना करेंगे, कभी अपनी रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रखेंगे, लेकिन आप ये चीज भूल गए कि इसके आगे भी एक क्षेत्र है, इसके आगे भी एक रेल्म है, इसके आगे भी कोई चीज है जिसे हमने पाना है।